प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन तथा भिक्षु संघ को मेरा 3 बार बंदामी और आज की सभा के अध्यक्ष तथा बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समिति के सभी पदाधिकारियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और आप सभी प्रांतों से आए डेलीगेट्स को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आर.एल. आनंद सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन, एक हमारा सिद्धार्थ बुद्ध विहार सेक्टर 11 नोएडा में है, मैं उसमें सन 1996 से उसमें कोई ना किसी न किसी पद पर कार्य करता रहा हूँ। हम लोगों को बुद्ध विहार में जोड़ते रहे हैं, उनके एक नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और दिल्ली के लोगों को जोड़ रहे हैं उसमें, और अभी उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी वर्षावास का प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें भी जो वर्षावास में जो उपोषित वगैरह है उसको कर रहे हैं, और बाकी और ज़्यादा हम क्या कहें कि बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति बुद्धगया के तत्वावधान में भारतीय बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों, सुरक्षा और विकास एवं राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर 10वीं राष्ट्रीय बौद्ध सभा बौद्धम संसद जो बुद्धगया में जो बुलाई गई है उसमें जो 23 पॉइंट रखे गए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं, और इसमें कई जो मुद्दे उठाए गए हैं, मैं प्रमुख मुद्दा एक ये है कि हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं वो बहुत सारे लोग अनुपस्थित रहते हैं, उनकी वजह एक तो मैं समझता हूँ कि वो लोग ज़्यादातर तो ये हैं कि हम जब यहाँ आए हैं धर्मस्थली में तो हम वहाँ के स्थानों को देखें, तो उसके लिए कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पूरे 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे का संसद नहीं चलनी चाहिए, उसमें एक टाइम निश्चित करें जिससे या तो सुबह का रख लें या दोपहर के बाद का रखें, जिससे आधा दिन उनको घूमने को मिल जाए। इसी वजह यही है कि लोग इधर उधर भाग जाते हैं, इसलिए हमारी जो कार्रवाई है या जो लोग जिस पर्पस से आए हैं वो पर्पस पूरा नहीं हो पाता। एक हमारे बंते जी हैं, उन्होंने एक रखा था कि भिक्षुओं के स्वास्थ्य की जो समस्या है उसको कैसे सुलझाया जाए, उसकी समस्या तो सबसे जो स्वास्थ्य की रक्षा की जो समस्या है वहाँ के जो बुद्ध विहार के जो समिति है उन्हीं के ऊपर ही है, वो उनका देखभाल करें। उनके लिए हम अपने बुद्ध विहार में भी जो हमारे बंतेगढ़ जो बीमार हो जाते हैं, मैं रात को 2-2 बजे भी उनको हॉस्पिटल लेके गया हूँ, मैं जबकि 5-6 किलोमीटर दूर रहता हूँ बुद्ध विहार से, तब भी मैं अकेला ही उनको, कई बार हमारा जो सेवक है वहाँ रहता है वो भी बीमार हो गया, मैं उनको खुद हॉस्पिटल लेके गया था, और वहाँ से भी डॉक्टर ने कह दिया कि आप अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, मैं वहाँ भी ले गया उनको। तो जिम्मेदारी बुद्ध विहार की जो समिति है उनकी है, और उसके लिए एक तरीका ये भी है कि एक जैसे LIC है या दूसरी जो है हेल्थ के इंश्योरेंस करते हैं वो लोग वहाँ एक ग्रुप में, एक जैसे ग्रुप इंश्योरेंस होता है उसमें एक समिति बना करके उनसे बात की जाए कि भाई इसका क्या तरीका है, उसके लिए भी उनका समाधान निकाला जा सकता है। और ज़्यादा बात ना कहते मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं अभय रतन बौद्ध जी का आभारी हूँ कि उन्हें 5-6 साल से मुझे इसमें जोड़ रखा है, मैं करीब करीब हर साल यहाँ आता हूँ। मैं निराला जी का भी सम्मान करता हूँ कि वो इतना सारे कार्यक्रम को जो संभाल लेते हैं, सारी जो व्यवस्था को खाने पीने की संभाल लेते हैं, मैं कई वर्षों से इनको देख रहा हूँ, अब ये कई बार जो टूर ले जाते हैं वो टूर में भी इनके साथ गया हूँ, पूरा इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन कमेटी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहेंगे तो ये अच्छा काम भी कर पाएंगे। जय भीम नमो बुद्धाय।